क्या कर रहे हो? तो मैं मुसलमानों से ये रिक्वेस्ट करता हूं बांग्लादेश के, कि या तो चूड़ियां पहन लो या अपने सर से टोपी उतार दो, और ये मत कहो कि तुम मुसलमान हो, क्योंकि मुसलमानों को तुम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हो इस लेवल पे कि हमारी हिंदू बहनों पे तुम जुल्म कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, मुसलमान होने पे और मुसलमान कहने पे अपने आप को। जालिम हो गए हो क्या तुम लोग? हमारे नबी के अखलाक आप लोग क्यों नहीं फैला रहे हो? जिसने हाथ उठाया उसको माफी, जिसने दरवाजे बंद कर दिए उसको माफी, औरत बच्चों को तो मतलब बिल्कुल बुजुर्गों को मना किया गया है। रिवेंज को मां के दूध की तरह हलाल दिखाया, लेकिन किससे? जिसने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई, जिसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा हो, बेगुनाह लोगों को, वो भी औरतें और बच्चे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ये हमारे प्रधानमंत्री तक पहुंचे, ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे और इन लोगों में एक्शन हो और इन्हें तुरंत अरेस्ट करके जेल में डाला जाए, और उनके लिए दुआ करो। क्या हो गया है यार माहौल, क्या हो गया है? तू फलाना, मैं ढिंगा, तू हिंदू, मैं मुस्लिम, तू सिख, मैं ईसाई। मुझे पता है सरदार लोग बड़े अच्छे लगते हैं इस मामले में, मुझे मुसलमान और हिंदू ये दोनों से ज्यादा सरदार लोग अच्छे लग रहे हैं। क्यों अच्छे लग रहे हैं बताओ मैं आपको। मेरे ऑफिस के बाहर एक गुरुद्वारा है, मैं सालों से देखता हूँ, मेरे बहुत सारे सरदार दोस्त भी हैं। एक तो इनकी एकता और इनका दिल, एकता ऐसी कि किसी सरदार की आप पगड़ी उतार के देखो, चाहे हिंदुस्तान का नहीं वर्ल्ड का कोई कोना हो, पगड़ी उतार के देखना आप हिंदुओं के कितने गमछे उतार दो ऑरेंज कलर के, कुछ नहीं करेंगे। आप मुसलमानों की टोपियां उतार दो, उनको नमाज में लात मार दो, कुछ नहीं करेंगे। ये खाली बर्तन है, बचते रहते बचते रहते। ओरिजिनल सरदार लोग हैं, पगड़ी उतार के दिखाओ। एक छोटे सरदार को उसके बाप को दिल्ली में ऑफिसर लोग ने लकड़ी से मारा था, सरदारों ने ना यूनिटी दिखा दी उसको, तो अंदर उसके मारा वो अलग, बस उनकी नौकरी खा गए वो अलग, और बिल पास कराने बैठे तो बिल क्यों मालूम है? क्योंकि एकता और इनका इनके वाहेगुरु पे यकीन। जो मुसलमानों का अल्लाह पे नहीं है, जो हिंदुओं का भगवान के राम पे नहीं है, इनका वाहेगुरु पे ऐसा यकीन है। बड़े बड़े सरदार गुरुद्वारा के अंदर ना दूसरों के जूते चप्पल उठाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और ऐसी सेवा करते हैं जो खुद खाते हो वहां पे गुरुद्वारा के अंदर ना दूसरों को भी खिलाते हैं, और ये पूछते नहीं है तू हिंदू है मुस्लिम है सिख है। मैं देखता हूँ लंबी लाइन लगती है, सब पेट भर के दो टाइम खाना खा के जाते हैं। असली धर्म यही है भाई जो सरदार लोग निभा रहे हैं। वो सरदार किसी हिंदू को मार रहा है, किसी मुस्लिम को मार रहा है, ये बोल रहे हैं ये देश में हमारा ये बनाना टिका कुछ नहीं, वो लोग सिर्फ काम कर रहे हैं। और एकता अपनी ऐसी रखी है उन्होंने कि उनकी कम्युनिटी में आ जाए तो भाई हिला के रख देंगे वो लोग। या तो मुसलमान हमारे नबी के बारे में कुछ भी बोल दो, नबी राम के बारे में कुछ भी बोल दो, भाई जब खाली बर्तन है तो काई के लिए टिक 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 कर रहे हो, और औरतों पे जुल्म कर रहे हो। सैल्यूट टू सरदार पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई रिस्पेक्ट यू गाइस। एजाज खान तहे दिल से तुम लोगों का रिस्पेक्ट करता है। हमारे नबी ने भी हमको यही सिखाया है, भूखों को खाना खिलाओ, पड़ोसी तक को भूखा सोने का मना किया कि भूखा सो गया तो मैं तुम्हारा हिसाब करूंगा। मेरे यारों मेरे प्यारों, नबी के अखलाक को फैलाओ, उनकी मोहब्बत, तब मजा आएगा। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का सुबह में स्वाद रखना, और ये वीडियो